10 मिनट बाद हम लोग का एक्सीडेंट हो गया। मैं गिर गया और ये देखो इधर लगा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है गुड़ी पाड़वा, तो तुम्हारा सगळ्यांना गुड़ी पाड़वाच्या खूब खूब शुभेच्छा। ये गुड़ी पाड़वा एक मराठी सण है जो हम महाराष्ट्रियंस एवरी ईयर ये टाइम पे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारे लिए न्यू ईयर रहता है, तो फॉर महाराष्ट्रियंस गुड़ी पाड़वा इज़ द न्यू ईयर। तो मेरी और मेरे पूरे फैमिली की तरफ से आप सबको गुड़ी पाड़वाचा खूब खूब शुभेच्छा, मतलब हैप्पी गुड़ी पाड़वा। तो चलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं आज ये देखो हम लोग है ना इधर ऐसा खिड़की में गुड़ी उबारते हैं, मतलब ऐसा गुड़ी चढ़ाते हैं। आपको पता रहेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको फिर भी। तो मैं आज वो सब आपको दिखाऊंगा कैसे होता है क्या होता है, तो चलो देखते हैं। तो गाइस अभी मैं दूध लेने बाहर गया था, मैं सोचा दूध लेके आऊँगा फिर अपन साथ में सब लोग गुड़ी उबारेंगे। तो आके देखा तो ये देखो जादू। यार मैं सुबह जाने वाला था खंबल पड़े पे, नहीं खंबल फड़के रोड में, उधर मस्त सेलिब्रेशन होता है। लेकिन मैं सोचा मस्त घर का शूट करूँगा, ये वो नहीं, सारा सारा पोपट हो गया, छोड़ जाने पर। ये देखो लेकिन ऐसा रहता है गुड़ी, ऐसा हम लोग एक लाठी लेते हैं, उसमें ये तांबा जो रहता है वो, मतलब ऐसा सब कुछ रहता है, साड़ी वगैरह बहुत सारा रहता है। तो ऐसा लगाते और ऐसा विंडो में ऐसा हैंग कर लेते, डाल देते, गुड़ी उभारते, इसको बोलते हैं गुड़ी उभारना। तो ये देखो इतना मस्त सुंदर रहता है, हर घर में आपको दिखेगा, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको पता रहेगा। तो इतना ही है जो कुछ है। अभी हम लोग पूरनपोली खाएंगे, अभी हम लोग पूरनपोली खाएंगे गुड़ी पाड़वे के शुभ अवसर पे। घर पे सबके पूरनपोलियाँ बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। मैं ज़्यादा नहीं खाता, वो घर की मुर्गी दाल बरोबर रहता है ना, वैसा सीन है थोड़ा। लेकिन मैं खाता हुआ वो आमटी रहता है, करी रहता है, उसके साथ खाता हुआ अच्छा लगता है, टेस्टी, मीठा और तीखा। कोई ये दरवाज़ा है ना, एक मिनट पकड़ा पप्पा ऐसा, मैं ऐसा ऐसा खोल जाता, खुल ही नहीं जाता है, गुस्से गुस्से में ऐसा किया। और इधर ये दिख रहा है ना ये वाला, इस पर ये लगा देखो पूरा दिख रहा है क्या, फोकस होता है ना। हाँ इधर इधर लग गया। एकदम जोर से लग गया, मेरे को लग रहा है शायद हड्डी विड्डी पे लगा है, क्योंकि वो दुख रहा है बहुत खतरनाक। एक सेकेंड, हाँ ये देखो ये इधर ये दिख, ये इतना अच्छा मतलब अच्छे से दिख रहा नहीं है लेकिन दुख रहा बहुत मजबूत है। चलो मैं बाहर जाता हूँ अभी। ये देखो ये स्क्रू लगा बहुत जोर से, खुला ये ऐसा लगा और खुल गया, लेकिन क्या कीमत पे खुला इतना लग के। ये देखो गाइस स्नैप वापस चालू हो गया इन लोग का, हम वड़ा पाव क्या खाने आ गए बंदे, सीधा स्नैप चालू हो गया। तो चलो हम लोग अभी वड़ा पाव खाते हैं। ये देखो फोटो काट लेला, नहीं स्नैप नहीं काट लेला। ओके ओके, कुछ कुछ भी हो निकाला ना, आयरन ही तो तब हो रही है जब मैं ब्लॉग निकाल रहा हूँ इसका और वो फोटो निकल रहे। तो चलो हम लोग अभी खाते हैं, अभी गुड़ी निकल रही है। आहा मतलब इसके पूरे पैर पाव पड़ते हैं ना, अपन ऐसा नमस्कार करते हैं ना, नमस्कार करके निकालना पड़ता है, तो वैसा दादा ने किया था, मैंने थोड़ा लेट शूट किया। ओके ये देखो पार्ट पे रख दिया। ओके गुड गुड जॉब दादा। कड़क है भाई, भाई का हाथ भाई कड़क है, आय हाय हाय हाय, सलमान भाई कड़क है। तो देखो गाइस ऐसा रहता है, ये हमारा रिचुअल रहता है महाराष्ट्रियंस का, तो बहुत प्यारा रहता है, अच्छा लगता है, वाइब भी बहुत अच्छी अच्छी आती है। कौन ठोक रहा है नीचे कंबख्त? देखो आवाज आ रहा है यार, टाक 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 टाक, कोई तो नीचे ठोक रहा है। आप लगता है ऐसा मत करते जाओ ब्लॉगिंग के टाइम पे, ऐसा आवाज़ नहीं करनी। देखो अपना मैच चालू है अभी, ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग चल रहा है, अपना बॉलिंग चल रहा है, रोहित भाई और ये कौन इसका नाम भूल गया, 61 ऑलमोस्ट 10 ओवर पे 61 रन हुआ है, 9 विकेट। निकालो निकालो हेड का विकेट निकाल दो, ये हेड है ये। चलो अपन मैच देखते हैं। मैंने ना मस्त इसका सब्सक्रिप्शन भी ले लिया अभी अमेजोन प्राइम का, पठान देखेंगे, पठान पठान आ गई है अमेजोन प्राइम वीडियो पर। ओ भुवन बाम और शाहरुख खान का वीडियो देखा क्या, क्या मस्त बना ना उन लोगों ने, क्या मतलब कॉमेडी टाइमिंग, कॉमिक टाइमिंग क्या मस्त है यार उन लोग का, और शाहरुख खान ऐसा तो बीवी भी ऐसा कहते हैं। हाँ हाँ हो गया बढ़िया, मिला सब मिला सब मिला मिला एकदम।
वो बहुत सही लगा था मेरे को। और ये देखो मम्मी इधर पूरन पोली बना रही है, ये देखो ये पूरन पोली ऐसा रहता है, मस्त गोड़ गोड़ लगता है, गोड़ गोड़ मतलब मीठा मीठा स्वीट स्वीट लगता है। हाँ हाँ देखो ऐसा रहता है, बहुत ऐसा ठीक रहता है उसमें। ये देखो ये ना ये मीठा मीठा मिश्रण देता है, और ये अपना ये मैदाचा असतो ना गहू गव्हाचं पीठ आणि मैदा मिक्स असतो, हां गेहूं का आटा और मैदा इसमें मिक्स लेते हैं, और ये दाल और गुड़ रहता है ना जैगरी इसका बना लेते हैं, चने की दाल यमी यमी चने की दाल। तो देखो बन रहा है, ऐसा बनता है ये देखो। तो गाइस ये देखो ये आमटी है, ये पूरन पोली है, ये पापड़ है, ये दूध है, ये मतलब ऐसा बासुंदी टाइप दूध है, और भजी भी रहता है। ये देखो किधर गया के लिए भजी, भजी है देखो ऐसा भजी रहता है जो मैंने लिया नहीं। तो अभी मस्त में ये पूरन पूरी आमटी खाता हूँ, हाँ हाँ, और फिर बाद में मिलते हो। सॉरी आपको अगर खाना खाते टाइम या भूख लगा होगा तो आप ये देख रहे रहेगा, आपका फेवरेट रहेगा। आई एम सॉरी, आ जाओ घर पे अपन साथ में खाएंगे। ओके चलो आई विल एंजॉय दिस। तो गाइस आपने ये पिया है क्या, मस्त लगता है, मतलब मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है लेकिन देख के तो अच्छा लगता है, स्मूथ 15 रुपीज़ का सही है। अब भी पी के देखो और बताओ कमेंट्स में कैसा लगता है, मैं फर्स्ट टाइम पी। प्रमोटेड वीडियो नहीं है, उन लोग को भी पता है भाई 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है क्या प्रमोट करूँगा। लेकिन ऐसा एक ओपिनियन रहता है ना, ओपिनियन रहता है ना, वो ओपिनियन जस्ट दिया, बाकी कुछ नहीं। ये एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा, मतलब ऐसा क्या बोलते उसको, इतना जो मन करता है ना कि वाओ कितना टेस्टी रहेगा वैसा नहीं है। अगर आपको अच्छा टेस्ट पे पर्सनल टेस्ट पे प्रेफर करता है, हम दोनों को तो इतना अच्छा नहीं लगा, ठीक था, लेकिन ऐसा विंकिन काउ जैसा नहीं है, जो चॉकलेट वाला आता है ना विंकिन काउ, वो मस्त लगता है, वो बार बार पीने का मन करता है, ये वैसा नहीं है, इसका वो चॉकलेट वाला ही अच्छा लगता है। ठीक है अच्छा, जिसको पसंद उसको पसंद, जिसको नहीं पसंद उसको नहीं पसंद। वो टाइम लैप्स देखा ना इसके पहले का, उसके बाद है ना मतलब एक 10 मिनट बाद हम लोग का एक्सीडेंट हो गया, मैं गिर गया और ये देखो इधर लगे, और मतलब डर गया था मैं तो, गाड़ी को भी बहुत थोड़ा टूटा है आगे आगे, और पेट्रोल उसका लीक हो गया था, तो ऋषभ को भी थोड़ा ऐसा स्वेलिंग हो रहा है, सूज गया उसका। और मुझे देखो ये इधर लगे, ये इधर दिख रहा है, इधर लगे, इधर लगे, तो यार बहुत लग गया। तो ये इसका मैं दिखा तो आपको, मैंने वीडियो निकाला है ऐसा, वो बिना इसका थोड़े वो मराठी में बोलते हैं थोड़क्यात नहीं बोलो, थोड़क्यात नहीं बोलो मतलब कुछ बहुत बड़ा होने से ये छोटे में हो गया, मतलब बड़ी आफत जो रहती है ना वो टल गई, ये छोटे में थोड़ा छोटा नुकसान हो गया ऐसा। तो अच्छा है भगवान का कृपा है अपने पे, ज़्यादा कुछ लगा नहीं, ऋषभ को भी ज़्यादा लगा नहीं, वो भी अभी घर पे चला गया, उसको पैर पे थोड़ा ऐसा सूज गया था, उसको कम लगा लेकिन उसको पैर पे थोड़ा सूजन आया, कि मेरे को ये बहुत लगा था। ऋषभ को भी मतलब उसको देख के भी ऐसा बुरा लगा यार, मेरे साथ क्या गिर गया। ठीक है चलो, आप सबकी दुआ भगवान की दुआ। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, आई लव यू ऑल गाइस, बाय बाय। अभी ये इसके ऊपर अपन मम्मी को पूछते हैं, मम्मी क्या बोलते हैं, मम्मी व्हाट आर योर ओपिनियंस, जरा आपका रिएक्शन दो। मम्मी हॉस्पिटल की तुला चांगला झोडून काढा, मम्मी हॉस्पिटल में आई ना ऐसा, अरे बेटा किती लागलं कुठे लागलं ऐसा रोने जैसा हो गई थी। हां मग एवढे लागलेलं तुला वाटणार नाही का, शाना चल सॉरी। देखो ये तो माँ का प्यार होता है, हर एक माँ का प्यार होता है। मम्मी को बुरा लग रहा था, मेरे को भी लगा, ऋषभ को लगा, उसको भी, मम्मी उसको भी बिचारे को लागून गेलं ना ते, ठीक आहे होते आता नहीं जाणवणार, नंतर दुखेल दे। तो इसके ये एक्सीडेंट के लिए सब्सक्राइब कर लो। लगता ये पागल हो गया। मैं पागल हो गया सच्ची में। चलो बाय।